व्लॉग कैजुअल स्टार्ट कर रही हूँ। जब से मैं उमरा से वापस आई हूँ 6 डेज़ के बाद मेरी हेल्पर आई है मेरे घर में, और माशाल्लाह से जो है वो इतनी होल हार्टेडली काम करती है, डेफ एंड डम्प है। तो ये देखें, मैट्स वगैरह साफ़ करके अब वो इस तरफ को आई है मॉपिंग करने के लिए। मॉपिंग करेगी, शी इज़ रोमिंग अराउंड। ये देखिए, डेफ एंड डम्प है बट शी अंडरस्टैंड हाउ टू क्लीन द होल हाउस। ने मेरे किचन की क्लीन नुक निकाली है, टाइल्स, शेल्फ्स और ये वाला काउंटर बिल्कुल उसने साफ़ कर दिया। कि ये मेरे बेडरूम की मॉपिंग कर रही है, ये वाइपर से बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और इसी तरह ये मेरे सारे घर की मॉपिंग करेगी। फिर अब गाइस, मेरे पास सूजी फ्रिज से निकाली थी और ये है मेरे पास बेसन। तो चलिए मैं देख आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर ने लॉन अभी आना है मुझे ग्रीट करने, तो घर में कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए चाय के साथ। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप सूजी, मेजरिंग कप आप यही रखिएगा, तो आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी जब आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स रखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ले ली है ड्राई रवा या सूजी जिसे बोलते हैं, पूरा भर लेना चाहिए और ये फिनिश भी होगी। इसे मैं फ्रिज में इसलिए रखती हूँ कि इसमें कीड़ा ना आ जाए, जो कि आ जाता है यूजली। इसे हम करेंगे हीट विदाउट ऑयल और घी, आप मिनिमम कर लोगे अगर हीट अप करेंगे इसके बाद। सॉरी, बुझ गया। के ऊपर मैं पैन को रख दूँगी, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप दूसरा भी ले सकते हैं। और कॉन्स्टेंटली हम स्पून से, ये जो स्टेपल है इसे, हम इसे स्टर करते जाएंगे अंटिल द सूजी चेंजेज इट्स कलर और वो लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। चलिए जी, इसको 5 मिनट तक भूनते हैं विदाउट स्टॉपिंग। इज अनदर पैन, आई एम गोइंग टू पोर 1 कप वाटर एंड 1.5 कप शुगर। ये 1/2 कप और चला गया। इसका हमने बनाना है शीरा, हम इसका शीरा बनाएंगे, और शीरा में कोई तार वगैरह नहीं होगी, इतना बनाएंगे इस स्टेज तक कि वो स्टिकी सा हो जाए। आई विल शो यू। मॉपिंग इज बीइंग डन, माशाल्लाह मेरे फ्लोर्स की एक शाइनिंग लुक आ रही है, देखें ड्राइंग रूम तक, आई एम हैप्पी। वरना मेरा ये टाइम लग जाता था और मैं कुकिंग की तरफ कम ही आती थी, और इस तरह मेरे स्टूडेंट्स आ जाते थे शाम को, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग वेरी वेल। हमारा शीरा इस तरह पक रहा है अभी, और हम इसे थिक स्टेज पर लाएंगे। ये देखें, अभी तो इसके ये जो है, ये जो इसके ड्रॉप्स हैं, ये स्टिकी नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इसको लिक्विड ही रखेंगे तो हमारा हलवा पतला बनेगा, और अगर बहुत हार्ड कर देंगे तो हलवा बहुत हार्ड बनेगा, ये टेक्निक है। देखिए, यहाँ पर मैं इसी तरह बेसन सेपरेट करके रख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप, ताकि जो है वो मुझे देर ना हो जाए। अब मैंने अगर सूजी बराबर की रखनी है तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं बेसन ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि इससे इसका क्रीमी सा टेक्स्चर आता है। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो ज़्यादा कर लें। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले रही हूँ, दैट्स इट जी। ड्राई रोस्ट हो रही है विदाउट एनी ऑयल और घी, और इसके स्लाइटली सा कलर चेंज होगा, बट वी हैव टू डू मोर। लेट मी शो यू गाइस द पोजीशन ऑफ दिस शीरा। ये देखें, ये स्टिकी हो रहा है, ये देखिए गौर से, ये देखें, यानी मैं इसे जब पोर करती हूँ तो इस तरह हो जाता है। इसी स्टेज पर हम इस फ्लेम को कर देंगे ऑफ, और इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे। मेरी सूजी इस स्टेज पर हो चुकी है, इतना सा ही हमें ब्राउन कलर चाहिए था, ज़्यादा जलाना नहीं है। मैं इसको निकाल लूँगी, अपने इस वाले बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप क्या। आप डालेंगे ऑयल या घी, मैं ऑयल ही डाल रही हूँ, बल्कि ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे घी और ऑयल से सख्त एलर्जी है और मैं नहीं डाल सकती, अंडरस्टैंड। और ऑयल गर्म हो चुका है, मैंने लहसुन के दाने डाल दिए हैं, कड़कड़ा रहे हैं, और इसके साथ ही हम 1.5 कप बेसन ऐड कर देंगे। सूजी को हमने निकाल दिया था, अब हमने ऑयल के अंदर इस बेसन को इसी तरह रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। इसकी मैं करती हूँ भुनाई, और 5 मिनट्स के बाद आपको इसकी शक्ल दिखाता हूँ। बेसन जो है वो रेडिश स्टेज की तरफ आ चुका है, बहुत सुंदी सी प्यारी सी खुशबू आ रही है, दिस इंडिकेट्स दैट बेसन इज फ्राइड। स्टेज पर हम इसमें ये सूजी मिक्स कर देंगे जो हमने पहले से भून के रखती थी, मिक्स दम। मेरे पास मिक्स नट्स, इसमें काजू भी है और नारियल और बादाम और वॉलनट्स भी, किशमिश भी है, ये मैं इसके अंदर ही मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बाइट के अंदर जब आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। दोनों चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो चुकी हैं, नट्स ऐड हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम ये डाल देंगे इसमें शीरा जो हमने बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे थॉरली, बिल्कुल फ्लेम लो है, बल्कि चाहे तो ऑफ कर दें। इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, हल्की आग के ऊपर, और फिर मैंने इसको पोर करना है बटर पेपर वाली ट्रे के ऊपर। ये गाइस, मैंने इसको पोर ओवर कर दिया बटर पेपर पर ऑयलिंग करके, स्कैपुला की मदद से आपने इसे स्प्रेड करना है।
इवनली करना है अच्छे तरीके से, और इसको फिर हम फ्रिज में रख देंगे फॉर 2 to 3 आवर्स, फिर इसके मैं काटूंगी स्लाइसेस। हम ऐसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी फॉर अबाउट हाफ एन आवर, हम गर्म ही के स्लाइसेस काटेंगे के बाद फ्रिज में रखेंगे। देखिए अब मैं इसके कर रही हूँ यहाँ पर कटिंग्स, तो इसी तरह आप इसकी किसी भी शेप में कटिंग करके तो आप इसको रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए फ्रिज में। आपको कट करके सब दिखाती हूँ। आज का ब्लॉग इसको मैंने यहाँ से तोड़ा है, ये देखें आराम से टूट गई, और बाइट करें तो बहुत मज़ेदार है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय।